जाते हैं और ऑब्वियसली मेरी वाइफ को क्यूज कर रही है डायरेक्टली, तो मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ। हाँ, बिकॉज गर्मा गर्मी का तो माहौल था ही है, बिकॉज वो अक्यूज़ कर रही थी, और फिर क्योंकि रोहित एज यूजुअल सोनाक्षी की साइड ले रहा था, तो वो अपनी बीवी की साइड ले रहा था, तो मैं अपनी बीवी की साइड ले रहा था। नहीं देखिए, जब तक ये प्रूव नहीं होगा कि हाँ निशी ही गलत है, टिल दैट टाइम तो एज अ हस्बैंड मैं अपनी वाइफ का ही सपोर्ट करूँगा। हाँ, लेकिन वो सबूत हमको देखने को मिलेंगे या नहीं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो अभी जब तक हम देखेंगे नहीं तो हम कैसे बिलीव करेंगे? तो अभी तो हमने कुछ देखा नहीं है, अभी शी सेइंग एवरीथिंग इज़ ऑन द वे, आ रहा है, तो जब आएगा सबूत तो हम देखेंगे क्या करना है। मैं बस यही कह रहा हूं कि सोना को अपनी बात कहने का एक मौका मिलना चाहिए, बस। पीना पाली बात में अभी तक भूला नहीं, अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और अभी तक गुस्सा हूं उस बात को लेकर। स्टार प्लस के सीरियल कहां हम कहां तुम में डॉक्टर रोहित के घर हंगामा मचा हुआ है, जहां डॉक्टर रोहित अपनी बीवी सोनाक्षी की बात घर वालों के आगे रखने की कोशिश करता है और अपने घर वालों से ही भिड़ जाता है। दरअसल पुलिस ने सोनाक्षी को बताया है कि रोहित के पापा नरेन पर जिसने हमला किया था वो कोई लेफ्टी इंसान है, और इस बात को जब सोनाक्षी के घर वालों के आगे रखा जाता है तो घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। तब रोहित सोनाक्षी की तरफदारी करता हुआ नजर आता है और घर वालों को ही खरी खोटी सुनाने लगता है, जो सोनाक्षी को नरेन पर हमले का जिम्मेदार मानते हैं। बेसिकली सोनाक्षी पूरी फैमिली के सामने यू नो शी इज़ कम एंड शी सेइंग कि ये जो पूरा कांड हुआ है नरेन भाई का, जो गिरने का जो पूरा मसला हुआ है, वो बेसिकली निशी ने ही किया है। इनफैक्ट वो निशी के साथ साथ मुझे भी अक्यूज़ करती है कि यू नो कि दोनों में से कोई तो मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा भड़क जाते हैं और